बहुत अच्छा किया फरिया जो तुम आ गई। बस अब अरसलान आ जाए तो हम तीनों मिलकर डिवोर्स पेपर से उसे साइन करवाते हैं। बहुत हो गया, बहुत अना दिखा दी अरसलान ने। आपको पता है आज तो वैसे भी मेरा मूड इतना खराब था, आते हुए मम्मा से भी झगड़ा हो गया, बस आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ आ गई हूँ। वैसे ये घर की कंस्ट्रक्शन काफी पुरानी नहीं है? तो फरिया एक काम करना ना, शादी के बाद अरसलान को अपने साथ अपने घर में रख लेना। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा घर जो है काफी आलीशान है। ऑफ कोर्स, आपको पता है डैड ने पूरे 5 साल लगा के हमारे घर की कंस्ट्रक्शन की थी और हमारे घर में तो 2-3 कमर्शियल्स भी शूट हो चुके हैं। अरे वाह, ये एक दिन का कितना रेंट देते होंगे कमर्शियल वाले? आई डोंट नो, नो आइडिया। मैं कभी इस किस्म की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। ये अरसलान कहाँ रह गया? वो मेरी अभी फोन पे बात हुई थी उससे, किसी दोस्त के घर था, आने वाला होगा बस। ये आ गया अरसलान। बात सुनो बेटा, आज किसी सूरत में भी तलाक नामे पर दस्तखत करवाए बगैर उसे जाने नहीं देना, समझ गई बात? आप बेफिक्र रहें, आई हूं तो काम पूरा करके जाऊंगी। गुड। सरप्राइज। ये इस घर में क्या कर रही है? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे फातिमा, क्या कर रही हो? घर आए मेहमानों का कुछ तो ख्याल करो। मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा भी घर है। मेहमान तो ये है जिसके मुकद्दर में सिर्फ तलाक है। इंशाल्लाह। कितने अफसोस की बात है, आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी? बड़े बात कर रहे हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? और अगर छोटे कोई अकलमंदी की बात करे ना तो सुन लेनी चाहिए। तुम अंदर जाओ सामिया। ये अंदर नहीं जाएगी बल्कि यहीं से वापस बाहर जाएगी, समझे तुम? और अरसलान शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बीवी अपने साथ। फातिमा, फातिमा, क्या 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 कर रही हो तुम? अरसलान, सामिया, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ। शायद तुम भूल गए हो कि तुमने अपने भाई को सामिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। और फरिया, आप भी अपने घर इस वक्त तशरीफ ले जाइए, फिलहाल ये वक्त बातों के लिए मुनासिब नहीं है, प्लीज। फरिया, तुम जरा बाहर चलो मेरे साथ।